हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 का टीयर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और ये सेट 2 है। और ये पेपर हुआ था 5 अगस्त 2017 को इवनिंग शिफ्ट में, तो ये रियल पेपर है। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आप सीजीएल 2018 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से रियल क्वेश्चंस हैं और रिलीवेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखिए, ये है क्वेश्चन, और ये स्पॉटिंग एरर का एक क्वेश्चन है। माय सिस्टर इन लॉज हु लिव्स इन कोलकाता हैज कम टू स्टे विद अस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यदि आप एसएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और इस पेपर में आप बहुत ही आसानी से 90% तक स्कोर कर सकते हैं यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं। देखिए, यहाँ पर लिप्स लगा हुआ है, यहाँ पर लिप्स लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट जो लेना है वो आपको सिंगुलर में लेना है, ठीक है। अब माय सिस्टर इन लॉज की जगह इसमें क्या होगा, माय सिस्टर इन लॉ, तो इसमें लॉज में से आपको एस हटाना होगा। और सिस्टर इन लॉ का यदि आपको प्लूरल बनाना है तो जो एस लगेगा वो लॉज में नहीं लगेगा, वो सिस्टर में लगेगा, क्योंकि सिस्टर इन लॉ में सिस्टर जो है वो मेन वर्ड है, ठीक है। लॉ तो कॉमन है, जैसे सिस्टर इन लॉ बोलते हैं आप और फादर इन लॉ बोलते हैं, तो लॉ तो उसमें कॉमन है, तो वो मेन वर्ड नहीं हुआ। डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है वो इस वर्ड की वजह से हो रहा है, ठीक है। यदि आप बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, तो ये वर्ड चेंज हो रहा है, ये वर्ड तो कॉमन है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये वर्ड सेकेंडरी है और ये वर्ड मेन वर्ड है। तो यदि आपको प्लूरल बनाना है तो आप इसमें, इस वर्ड में आप एस लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि आपको सिंगुलर वर्ड चाहिए तो इसलिए यहाँ पर आपका जो सही इम्प्रूवमेंट होगा वो होगा सिस्टर इन लॉ, और स्पॉटिंग एरर के हिसाब से यहाँ पर आंसर होगा आपका ए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना है, और बेसिक्स यदि आपके क्लियर हैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन एक बेसिक पर ही आधारित है, कॉन्सेप्ट पर आधारित है। दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स आर रादर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय। देखिए, यहाँ पर जो वर्ड लिखा है सी एल ओ टी एच ई एस, इसका जो उच्चारण है वो है क्लोथ्स, और सी एल ओ टी एच जो होता है उसका उच्चारण है क्लॉथ। क्लॉथ होता है बिना सिला हुआ कपड़ा, क्लोथ्स होता है, क्लोथ्स होते हैं पहनने वाले कपड़े, जो सिले हुए कपड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोथ्स तो यहाँ पर सही है, तो क्लोथ्स के हिसाब से आर यहाँ पर सही है, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, रादर एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव एक एडजेक्टिव है, और रादर का प्रयोग हम आश्चर्य को बताने के लिए, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इस तरह से आश्चर्य को बताने के लिए या नेगेटिव सेंस में किसी चीज़ को बताने के लिए हम रादर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यदि मैं बोलूँ दिस गिफ्ट इज़ रादर ओल्ड, ये गिफ्ट थोड़ी सी ओल्ड है, मतलब मैं थोड़ा नेगेटिव सेंस में इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो रादर जो होता है वो नेगेटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं। और प्रिटी या क्वाइट, जैसे हम बोलते हैं क्वाइट राइट, ठीक है, क्वाइट गुड, तो क्वाइट को हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंस में, रादर को हम यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंस में। रादर को हम सरप्राइज को दिखाने के लिए भी यूज़ करते हैं, और इसको रेदर नहीं बोलना है, आपको रादर बोलना है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, ये है आपकी नाउन, काइंड जो है वो नाउन है, चूंकि दीज जो है ये प्लूरल को इंडिकेट करता है, दीज और दोस ये प्लूरल को इंडिकेट करते हैं, इसलिए इसके बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल में आएगी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। यहाँ पर यदि दिस होता तो यहाँ पर हम काइंड बोलेंगे, यहाँ पर अगर दीज होगा तो यहाँ पर हम काइंड्स बोलेंगे। तो इसको देखते हुए यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इस तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है और श्योर रहना है, जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं एसएससी में तो आपको श्योर होना है कि आपको इतना श्योर होना चाहिए कि आप शर्त लगा सकें किसी से कि मैं श्योर हूँ कि इसका, इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इस लेवल का यदि कॉन्फिडेंस है आप में तो एसएससी सीजीएल को निकालने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, चाहे टीयर 1 हो, चाहे टीयर 2 हो या टीयर 3 हो। आपका कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए वो इस लेवल का होना चाहिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके में, कि आप उस पर बैट लगा सकें, आप उस पर शर्त लगा सकें। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं ये फिलर के क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के आए और दो क्वेश्चन अब फिलर के आएंगे, एक क्वेश्चन वन वर्ड का आएगा। तो इस तरीके से ये पैटर्न रहता है एसएससी एग्जाम में। यहाँ पर आपके डायरेक्शंस लिखे होंगे, यहाँ पर पूरे डायरेक्शंस लिखे होंगे, इसमें मैंने डायरेक्शंस नहीं लिखे हैं क्योंकि ये एक वीडियो क्लास है और जगह थोड़ी कम रहती है इसमें।
द एम्प्लॉई डिड नॉट टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द मैनेजर, मतलब एम्प्लॉई ने मैनेजर के आर्ग्यूमेंट को नहीं माना, ठीक है। तो यहां पर क्या वर्ड आएगा, यहां पर जो वर्ड आएगा वो कंसीड आएगा। इसमें आपके दो आपको लॉजिक लगाना है, एक तो वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए और एक इसके पहले और इसके बाद में जो प्रपोजिशन और जो वर्ड लगे रहते हैं उसके साथ कोरिलेट करना है वर्ड को। कंसीड के साथ टू जो वर्ड है वो जुड़ता है, ठीक है, और कंसीड का अर्थ होता है स्वीकार करना। तो यहां पर डिड नॉट लगा है तो इसका मतलब होगा स्वीकार नहीं करना। द एम्प्लॉई डिड नॉट कंसीड टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द मैनेजर, ठीक है। अब आप श्योर कैसे होंगे कि यही आंसर आएगा यहां पर, आप एलिमिनेशन के थ्रू श्योर हो सकते हैं। प्रीसीड का मतलब होता है पहले, रिसीड का मतलब होता है पीछे जाना, और एक्सीड का मतलब होता है किसी चीज से आगे निकल जाना, ठीक है। यदि आप इन तीनों वर्ड्स में से किसी वर्ड को लगाते हैं तो इस सेंटेंस का कुछ भी मीनिंग नहीं निकलेगा। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि आप उसमें 100% श्योर हो सकें। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा कंसीड। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, ही वॉज स्वॉर्न एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री। स्वॉर्न जो है इसका मतलब होता है शपथ लेना, टेक द प्लेज। और चूंकि ये V3 में आया है, चूंकि ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, वॉस के साथ हम यहां पर थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, तो इसलिए स्वेयर ना यूज करते हुए हमने स्वॉर्न यहां पर यूज किया है। और स्वॉर्न के बाद हम जो वर्ड लगाते हैं, हम जो प्रपोजिशन लगाते हैं वो लगाते हैं इन। स्वॉर्न इन का मतलब होता है शपथ लेना। ही वॉज स्वॉर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है कि उसको प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। ही वॉज स्वॉर्न इन मतलब उसको शपथ दिलाई गई, उसके ऊपर एक्शन हुआ। ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का कॉन्सेप्ट भी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं, ये सिमिलर वर्ड के कुछ क्वेश्चन हैं। कैंटन कैरस, ये वर्ड काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ये 2015 या 16 में भी ये आया है ये वर्ड, और 2017 का ये पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 2017 में भी ये रिपीट हुआ है। कैंटन कैरस, इसकी स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है, और कैंटन कैरस का अर्थ होता है जो लड़ाकू है, ठीक है, समवन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, उसको हम बोलेंगे कैंटन कैरस। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा क्वेरलसम। ह्यूमरस मतलब जो फनी है, रिमोर्सफुल मतलब जो जिसका नेचर जो है थोड़ा सा, रिमोर्सफुल मतलब दुखी या पश्चाताप जिसको है, ठीक है, और डलनेस ये तो एक नाउन है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा क्वेरलसम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कॉनिसर, इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है SSC एग्जाम के लिए, इसको स्पेलिंग के लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। ये कॉनिसर का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी फील्ड का एक्सपर्ट जज है, जो एक अच्छा जज है। डिसर्निंग का अर्थ होता है समझदार या तेज दिमाग वाला व्यक्ति, जो किसी हर सारी चीज़ों को जो परसीव कर सकता है, जिसका परसेप्टिव माइंड है, उसको हम बोलते हैं डिसर्निंग। तो यहाँ पर आपका सी इसमें आपका सही आंसर होगा। डिसाइसिव का मतलब एक निर्णय करने वाला, ठीक है। अनसिविलाइज्ड मतलब जो सोफिस्टिकेटेड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, जो वेल मैनर्ड नहीं है, उसको हम बोलते हैं अनसिविलाइज्ड। और नैरो माइंडेड मतलब छोटी बुद्धि वाला। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका डिसर्निंग जज। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूगेटरी, लेकिन यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड बताना है, यहाँ पर आपको सिमिलर वर्ड नहीं बताना है। न्यूगेटरी का अर्थ होता है निल, मतलब जो वर्थलेस है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो यूजलेस है, उसको हम बोलते हैं न्यूगेटरी। और यदि अपोजिट देखा जाए तो अपोजिट होगा इसका प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मतलब यूजफुल, ठीक है। फ्यूटाइल का मतलब होता है, फ्यूटाइल एक्चुअली प्रोडक्टिव का अपोजिट है, फ्यूटाइल मतलब अनप्रोडक्टिव होता है, ठीक है। तो ये एक वर्ड भी आप ध्यान रखिए, फ्यूटाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और डिल्यूसिव का अर्थ होता है किसी भ्रम में डालना, किसी भ्रम में डालने वाला, किसी इल्यूजन में डालने वाला, उसको हम बोलते हैं डिल्यूसिव, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका अपोजिट वर्ड, मतलब जो न्यूगेटरी का होगा वो होगा प्रोटेक्टिव। नाइव, इसका भी आपको अपोजिट बताना है। नाइव का अर्थ होता है एक सीधा साधा व्यक्ति, जो आर्टलेस है, जो टैक्टलेस है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा आर्टफुल। कैंडिड होता है फ्रैंक। क्रेडुलस मतलब जो हर किसी पे विश्वास कर लेता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडुलस। और सिंसियर, तो यहाँ पर अपोजिट वर्ड जो नाइफ का होगा वो होगा आर्टफुल। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, मीली माउथ, क्या मतलब है इसका, मीली माउथ का
मीली माउथ का अर्थ होता है कि नॉट ब्रेव इनफ टू से वॉट यू मीन डायरेक्टली ऑनेस्टली, मतलब आप में इतनी बहादुरी नहीं है कि जो चीज़ आप कहना चाहते हैं उसको डायरेक्टली और ऑनेस्टली आप कह सकें, इसलिए आप उसको इनडायरेक्ट तरीके से कह रहे हैं, इवेसिव तरीके से कह रहे हैं, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक idiom है, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना और डायरेक्टली पॉइंट पर नहीं आना, ये एक idiom है, बीट अराउंड द बुश, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आसपास का जो ऑप्शन यदि आप लगाना चाहें तो आप सॉफ्ट स्पोकन इसमें आप लगा सकते हैं, ये इसका सही आंसर होगा। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये बहुत ही कॉमन idiom है और कई बार पूछा जा चुका है SSC एग्जाम में। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यदि आप किसी काम को करते हैं तो आप उस काम को इरेगुलरली करते हैं, ठीक है, नियमित रूप से नहीं करते, इरेगुलरली करते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा इरेगुलरली यानी बी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आई हैड नॉट ओनली हेल्प हर बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो विद प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स। इसमें आप एक फैक्ट याद रखिए कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो ये होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद आएगा वही पार्ट ऑफ स्पीच बट ऑल्सो के साथ आना चाहिए। यहां पर बट ऑल्सो के बाद एक प्रपोजिशन लगा है और ING फॉर्म लगी है, प्रपोजिशन प्लस ING फॉर्म का प्रयोग हमने बट ऑल्सो के बाद किया है, तो इसलिए नॉट ओनली के बाद भी प्रपोजिशन प्लस ING फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। अब इसको आप कैसे सही करेंगे, इसमें यदि आप ये ऑप्शन लगाएं हेल्प हर, आई हैड हेल्प हर नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट्स, यदि आप ये वाला ऑप्शन लगाएं, ठीक है, तो इसमें बाय के बाद गिविंग आ जाएगा और बट ऑल्सो के बाद विथ प्लस प्रोवाइडिंग आ जाएगा, तो इसलिए इसमें यहाँ पर ग्रामेटिकली कुछ आपको ग्रामेटिकली इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है, केवल वर्ड्स की लोकेशन को आपको चेंज करना है। आपको हेल्प्ड को पहले लाना है, हेल्प्ड को इधर लाना है और नॉट ओनली को बाद में ले जाना है। यदि नॉट ओनली को बाद में ले जाएंगे तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, तो बी आपका यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ये क्वेश्चन है और इसमें आपको सिंपल सा फंडा लगाना है। देखिए कितना बेसिक आपका चेक किया जाता है SSC एग्ज़ाम में, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते SSC एग्ज़ाम से, बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये रियल क्वेश्चन है CGL के, तो कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचे कि ये कम लेवल के क्वेश्चन है, ये CGL के रियल क्वेश्चन ही मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। आप इनको देख सकते हैं कहीं पे भी, जहाँ पर भी आप चाहें चेक कर सकते हैं, ये CGL के रियल क्वेश्चन ही हम चेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको CGL का पढ़ा रहा हूँ तो CHSL के क्वेश्चन दे दिए इसमें या MTS के क्वेश्चन दे दिए, ये CGL के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है, प्री के ये क्वेश्चन हैं और थोड़ा सा आप Tier 2 में मान सकते हैं कि थोड़ा सा लेवल इससे हाई हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ½ an hour ago आधा घंटा पहले, आधा घंटा पहले जो हुआ वो पास्ट हुआ, ठीक है, आधा घंटा पहले जो हुआ वो पास्ट हुआ, और पास्ट के साथ हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग नहीं करते, हैव का प्रयोग करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट सिंपल टेंस में हम लगाते हैं V2। तो यदि आप यहाँ से हैव हटा देंगे तो यहाँ पर केवल V2 रह जाएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर होगा वो होगा A, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररेवरेंटली अबाउट सेक्रेट थिंग्स। देखिए यदि आपको इस लाइन का मतलब नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका मतलब आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररेवरेंटली मतलब अनादर करना किसी चीज का, या अनादर के साथ सेक्रेट का अर्थ होता है, सेक्रेट का अर्थ होता है पवित्र, और इररिवरेंटली का अर्थ होता है अनादर करना, तो पवित्र चीज़ों का अनादर करना या उनके बारे में कुछ कहना, जैसे पवित्र चीज़ें हुई रामायण हुई महाभारत हुई हमारी किताबें हुई नदियां हुई भगवान की मूर्तियां हुई टेंपल हुए तो इन सब चीज़ों के बारे में एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ करना और इररिवरेंटली बोलना बिना किसी आदर या सम्मान के साथ उनको बोलना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं ब्लैस्फेमी। ब्लैस्फेमी इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ब्लैस्फेमी। एथीस्ट होता है तो द पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसको हम बोलते हैं एथीस्ट। बेलीकोज मीन्स फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, और डिफेक्शन का अर्थ होता है, ये पॉलिटिक्स में चलता है ये वर्ड डिफेक्शन, जिसको हम बोलते हैं दल बदल,
ठीक है, पार्टी को चेंज करना, उसको हम बोलते हैं डिफेक्शन। बेलिकोस मतलब लड़ना, तो ब्लेसफेमी, ब्लेसफेमी यहां पर जो होगा वो सही आंसर आपका होगा। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में बहुत ज्यादा बातें करता है, ईगोइस्ट होता है जो अपने आप को इंपॉर्टेंट समझता है, और ईगोटिस्ट होता है जो अपने आप के बारे में बहुत ज्यादा बातें करता है। तो ईगोटिस्ट यहां पर आपका सही आंसर होगा। इलीट होता है अभिजात्य वर्ग, अभिजात्य वर्ग मतलब टॉप क्लास, जो जो सोसाइटी का सबसे ऊंचा क्लास होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलीट क्लास, जो सबसे ज्यादा फेमस हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, उनको हम बोलते हैं इलीट क्लास। इमेटिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे आपको वॉमिटिंग आ जाती है, ठीक है, तो यहां पर सही आंसर ईगोइस्ट नहीं होगा, ईगोटिस्ट होगा। ईगोइस्ट होता है जो अपने आप को इंपॉर्टेंट समझता है, देखिए ईगोइस्ट में आई लगा हुआ है, आई मतलब जो आई को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और ईगोटिस्ट में टी लगा है मतलब जो टॉकिंग करता रहता है अपने बारे में। तो इस तरीके से इन दोनों को वर्ड्स को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और यहां पर जो सही आंसर होगा दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, एसएससी में करेक्टली स्पेल्ट वर्ड भी पूछे जा सकते हैं और इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन चारों वर्ड्स में आपको एक ऐसा वर्ड निकालना है जिसकी स्पेलिंग गलत है। एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग सही है, ई एन टी आर ई पी आर ई एन ई यू आर, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। रिम्यूनरेशन का अर्थ होता है आपको जो वेतन मिलता है, जो भुगतान मिलता है, दैट इज कॉल्ड रिम्यूनरेशन, ठीक है। अप्रेंटिस मतलब जो ट्रेनी होता है। SOVERII होता है एक्चुअली, SOVERII, पहले ई आएगा फिर आई आएगा, और इस तरह के वर्ड एसएससी एग्जाम में स्पेलिंग को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आई और ई का कंफ्यूजन रहता है। तो SOVERII होगा ये, SOVERII, RIE तो है ही ये, लेकिन ये गलत है, SOVERII होगा, SOVERII। ठीक है, तो ये स्पेलिंग इसमें गलत है आपकी। चलिए आगे के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाई डू यू वेस्ट मनी, तो ये तो एक पैसिव वॉइस है, और इसमें एक्चुअली जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एम आर होती है, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा व्हाई इज मनी वेस्टेड बाय यू, क्योंकि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है जिसमें हम एक्टिव वॉइस में डू या डस का प्रयोग करते हैं, उसमें हम पैसिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो इज केवल इस सेंटेंस में दिया है, ठीक है, और why is money wasted by you, ये इसका सही आंसर इसका हो जाएगा। ये why do you waste money, ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है आपका। चलिए आगे देखते हैं। द डॉक्टर सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू, इसमें डॉक्टर जानना चाहता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो इसका सेंस आपको इसमें डालना पड़ेगा। द डॉक्टर वॉन्टेड टू नो वॉट ही कुड डू फॉर हर, ये इसका आंसर होगा। वॉट के बाद इसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, वॉट के बाद इसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, और इसके बाद हम वॉट ही कुड डू फॉर हर ये हम बोलेंगे। द डॉक्टर वॉन्टेड टू नो वॉट ही कुड डू फॉर हर, ये हम इसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन PQRS का देखते हैं, पैरा जंबल का एक क्वेश्चन देखते हैं। इन अदर कंट्रीज, इन सम कंट्रीज, देखिए कोई भी सेंटेंस पर, कोई भी पैराजंबल, कोई भी पैराग्राफ जब स्टार्ट होता है तो वो एक टाइटल वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो टाइटल वर्ड क्या है इसमें, टाइटल वर्ड है इसमें फ्रस्टेशन। फ्रस्टेशन इज ए ग्लोबल कैंसर। तो सबसे पहले इसमें कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो वो नाउन से स्टार्ट होता है, तो नाउन हमें मिल गई इसमें फ्रस्टेशन, ठीक है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन आ गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है। इन सम कंट्रीज से पहले हम, इन अदर कंट्रीज से पहले हम इन सम कंट्रीज बोलते हैं, इन सम कंट्रीज एंड इन अदर कंट्री जैसे हम बोलते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा थ्री और ये हो जाएगा फोर। तो आपका सीक्वेंस क्या बना, RSQP आपका सही आंसर हुआ। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, RSQP। सेकेंड देखते हैं पैराजंबल को,
इसमें भी सबसे पहले आपको नाउन उठाना है, सबसे पहले नाउन, नाउन इसमें ये है, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मैन इज समथिंग मच ग्रेटर देन एन इंटेलिजेंट बीइंग यूजिंग हिज इंटेलेक्ट टू मेक योर इन्वेंशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैन के लिए फिर एक प्रोनाउन ले सकते हैं, तो प्रोनाउन है आ जाएगा यहाँ पर ही, तो आर आ जाएगा, फिर क्यू आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, और इसके बाद आप ले सकते हैं इसको, द रियल पर्पज ऑफ अंडरलाइंग दिस मैक्सिम, क्योंकि मैक्सिम के लिए यहाँ पर हमने इट का प्रयोग किया है, तो थर्ड ये हो जाएगा और फोर्थ आपका हो जाएगा ये, ठीक है। तो आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस, इसमें आपका सही आंसर बन जाएगा, और इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी। ये आपका एक क्लोज टेस्ट है, और क्लोज टेस्ट को देखते हैं, ये इसके आंसर्स दिए हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए हैं, हम पढ़ते हैं इसको। द वर्ल्ड हैज सीन अ ग्रोथ इन सेवरल स्फीयर्स, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, मेडिसिन, एजुकेशन एटसेट्रा हैव सीन ग्रोथ। यहाँ पर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि इन इन फील्ड्स में ग्रोथ हुई है, तो वर्ल्ड हैज सीन अ ग्रोथ इन सेवरल स्फीयर्स, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी प्रगति हुई है, तो काफ़ी का इक्विवेलेंट वर्ड चाहिए यहाँ पर, तो काफ़ी का इक्विवेलेंट वर्ड है यहाँ पर ट्रेमेंडस, तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रेमेंडस। द वर्ल्ड हैज सीन अ ट्रेमेंडस ग्रोथ इन सेवरल स्फीयर्स, ठीक है, द वर्ल्ड हैज सीन ए ट्रेमेंडस ग्रोथ इन सेवरल स्फीयर्स, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, मेडिसिन, एजुकेशन एटसेट्रा हैव सीन ग्रोथ, मतलब इन फील्ड में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, तो यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव वर्ड चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नेग्लिजिबल, नेगेटिव, ये तो नेगेटिव वर्ड है, इक्वल ग्रोथ नहीं, यहाँ पर आपका आंसर होगा अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है कि ऐसी ग्रोथ हुई है इन फील्ड्स में जैसे कि पहले हमने कल्पना नहीं की थी या जिसको हमने पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रेमेंडस, यहाँ पर आ जाएगा अनप्रेसिडेंटेड। एज वंस अपीयर टू बी, वी कैन सेफली एज्यूम दैट द फ्यूचर, नहीं नहीं यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर आएगा ट्रेमेंडस और यहाँ पर आएगा अनप्रेसिडेंटेड। अब यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा, वी कैन सेफली एज्यूम दैट फ्यूचर इज नॉट एज वंस अपीयर टू बी, मतलब हम सेफली कह सकते हैं कि फ्यूचर उतना बेकार नहीं है जितना पहले लगता था, तो यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड चाहिए आपको, यहाँ पर आपको एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, तो नेगेटिव वर्ड देखते हैं क्या है इसमें, गुड, स्ट्रॉन्ग और हाई, ये तीनों पॉजिटिव वर्ड हैं, ब्लीक एक नेगेटिव वर्ड है, ब्लीक का अर्थ होता है खाली या एम्प्टी या अंधकार युक्त, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्लीक। वी आर नॉट बाय ए विजन ऑफ हंगरी होर्स ओवरवेलमिंग वर्ल्ड फूड रिसोर्सेज, वी आर नॉट बाय विजन ऑफ हंगरी होर्स ओवरवेलमिंग वर्ल्ड फूड रिसोर्सेज, ऑल्दो इट इज दैट मैनी पीपल स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्री आर हंगरी इलिटरेट एंड ऑल्दो इट इज, यहां पर आएगा आपका, यहां पर अभी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ऑल्दो इट इज ट्रू, क्योंकि यहां पर हमने निगेटिव बोला है, ऑल्दो इट इज ट्रू दैट मैनी पीपल स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्री आर हंगरी इलिटरेट एंड डिजीज के लिए हम बोलते हैं प्रोन टू डिजीज, प्रोन टू डिजीज का मतलब है जिसको डिजीज जल्दी लग जाती है, ये बात सही है, हालांकि हमने तरक्की की है अलग अलग स्फीयर्स में, लेकिन ये बात सही है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं डेवलपिंग कंट्री में जो हंगरी हैं, इलिटरेट हैं, या जिनको जल्दी डिजीज लग जाती है, दे आर प्रोन टू डिजीज, तो इस तरीके से आपको क्लोज टेस्ट को करना होता है। तो इसमें मैंने आपको सेट टू करवाया है, इसमें कोई भी आपको गलती लगी हो, आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर या मेरा एक्सप्लेनेशन आपको गलत लगा हो, तो अपना फीडबैक आप जरूर दीजिए, क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, ह्यूमन एरर किसी से भी हो सकती है, आप फीडबैक आप अपना दे सकते हैं इस ईमेल आईडी पर, और उसके रिगार्डिंग मुझसे आप बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेट टू था, इस तरीके से सेट थ्री, सेट फोर, सीजीएल के 2017 के और 2016 के सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस ई कोर्स में, इस टारगेट बैच में आपको कराऊंगा, और इसकी मदद से आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।